जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा और आराधना शारदीय नवरात्रि के नौवे दिन बहुत ही धूमधाम के साथ की गई। इस मौके पर देश के तमाम मंदिर और शक्तिपीठ घंटे, घड़ियाल, शंख और मां के जयकारों से गूंज उठे। मां ने महानवमी के दिन ही राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा गया है। मान्यता है कि नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना और कन्या पूजन करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में इस खास मौके पर आज कन्या पूजन का कार्यक्रम भी बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। चाहे आम हो या खास, हर किसी ने कन्या पूजन के तहत अपने अपने आवास पर कन्याओं की आराधना की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव तक, सभी ने नवमी के मौके पर कन्याओं को हलवा पूरी का प्रसाद खिलाया। ये तस्वीरें भोपाल के मुख्यमंत्री आवास की हैं, जहां 300 से अधिक कन्याओं का पूजन किया गया। इन कन्याओं के पैर धुलने से लेकर प्रसाद परोसने तक हर काम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी शामिल रहे। कुछ कन्याओं को तो मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने अपने हाथों से भोजन खिलाया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ये कार्यक्रम में अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोस के, अगर आप देखें तो यहाँ पे लगातार बच्चियों से पूछ भी रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ चाहिए। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे उसी आत्मीय भाव के साथ बच्चियों को, अपनी लाडली बेटियों को, यहाँ पे लाडली लक्ष्मियों को जो प्रसाद है वो अपने हाथों से दे रहे हैं। ये जीवित जागृत देवियां हैं, हम नवरात्रि में इनकी पूजा करते हैं, लेकिन समाज को ये संदेश भी है कि केवल नवरात्रि पे नहीं, हमेशा बेटियों का मान करें, सम्मान करें, उनको उचित स्थान दें, बहनों का सम्मान करें, आधी आबादी को पूरा न्याय मिलना चाहिए, ये संदेश भी इसमें है समाज को। कन्या पूजन के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अलावा प्रदेश बीजेपी के कई और नेताओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मां की भक्ति में लीन मुख्यमंत्री माता की भेंटे गाते हुए दिखे। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कन्या को भोजन कराया। इसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस साल भी गोरखपुर में कन्या पूजन कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न किया। इन नेताओं की तरह ही योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ ही आज के दिन कन्याओं को भोजन कराया। जिन भी रूपों में मातृशक्ति, हमने सदा से मातृशक्ति की वंदना की है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम सन्यासियों को सारी दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन हम भी इन छोटी बेटियों को माँ भगवती का साक्षात विग्रह मान करके इनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम वंदन करके एक बात कहना चाहते हैं कि भारत की मूल प्रकृति और संस्कृति यही रही है, हमने छोटी बेटी से लेकर के माँ का जो भी स्वरूप है उसको सदा पूज्य माना है। सनातन धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि का ये पर्व कन्या पूजन के बगैर अधूरा है। ऐसे में कई लोग अष्टमी तो कई नवमी को कन्या पूजन करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में व्रत रखने के बाद कन्या पूजन करने से मां प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं।
भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।